असल किसानों का मसला क्या है उनकी जुबानी, आइए उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, जिम्मेदार तबाह हो गया जी, जिम्मेदार ना कोई ख्याल नहीं, गवर्नमेंट ना सियासी लोग ख्याल है, अपना अपना घर पर नहीं, ऐसी लोग तबाह हो गए, कोई किसी किस्म ना साड़े नाल तावन नहीं होया, बाकी साड़े घर दे दो पखे ते एक बल्ब है, ते 20,000 रुपए बिल आया, असी दे सही कि तो दे सही, ये गवर्नमेंट की कर दी है, ये सानू की तबाह कर दी या के कर दी, सानू बम मारे परे जान छुटे इस गवर्नमेंट को लो। आलू खराब होगा जी, आलू बहुत खराब होगा गरीब बाद में, ना यूरिया मिल रहा है ना बिजली ने बेल इतने ज्यादा पर आने नो, असी किसान गरीब की करें, आने नहीं को हेल्प करो, बारिशा सैलाब आलुआ ने भी एक बारी खराब होया, दोबारा काश्त की है, किसाना ने हाल ते रहम फरमाओ, वो असने तो उल्टा ज्यादा पर आने किसाना वैसे सब्जी मर्जी खत्म हो गई है, तो मेहरबानी करके को किसाना ने हाल ते रहम करो, तो मजदूरी 700 रुपए हर मजदूरी मिलनी है, बड़ी मुश्किल ना मजदूरी करने कदे लभनी है कदे नहीं लभनी, हाँ खाद जड़ी है असी जिम्मेदार बंदे हैं, खाद जड़ी है ये यूरिया DAP ये 16,000 रुपए ना थोड़ा जड़ा ये पहले होने 6,000 रुपए ना 6,500 ना इस से कोई कर करो, असी उधर जमीन भी तबाह हो गई साड़ियाँ, उधर फसल भी आते थे जड़े पा नहीं मिलनी, दूसरी असी पा पाने इतने चीनी आने DAP और ये असर 16,000-17,000 थोड़ा मिलना है, असी किधर जावे के करें कहे पास जावे। इन तमाम किसानों को और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि इनका जो हेड है वो क्या चाहता है, लेकिन जो निचले तबके के किसान हैं उन लोगों को खासकर उनके जो जायज़ मुतालबात है वो मैं आप सबके सामने रखता हूँ, कम से कम आप उसके बारे में जानें, आपको अंदाज़ा होगा कि किसान इस वक्त कितनी मुश्किल में है। सबसे पहला मुतालबा तो ये कि ज़रई ट्यूबवेल्स और बिजली के बिलों में नाजायज़ टैक्स को ख़त्म किया जाए, इसके अलावा यूरिया खाद और दीगर जितनी भी खादें हैं इनका ब्लैक में फरोख्त होना बंद किया जाए, और इनकी अगर प्राइसेस अगर पहले 6,000 थी तो आप 18,000 है, और वो 18,000 भी ब्लैक में मिल रही है, तो उनका दूसरा मुतालबा ये है कि इसको ब्लैक होने से कम बचाया जाए, और सब्सिडी के बजाय खाद बीज और स्प्रे की कीमतें डायरेक्ट मुकर्रर किए जाए, और गंदम के रेट्स आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर किए जाए, गन्ने की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करके शुगर मिल से किसानों के साबिका वाजिबात अदा किए जाए। मीडिया के बारे में आप सब जानते हैं कि कुछ चैनल उसको नशर कर रहे हैं और कुछ लोग उसको बिल्कुल उन्होंने बायकॉट कर रखा है, वो उसको नशर नहीं होने दे रहे। आपका किसी भी सियासी मजहबी और किसी भी फिरके से ताल्लुक है, आप सबसे गुजारिश है कि किसानों का साथ दें, अगर किसान का साथ देंगे तो पाकिस्तान है, ये वक्त है किसानों का साथ देने का, अगर आप आज किसान का साथ देंगे तो कल आपको कुछ चीज़ सस्ती मिलेगी, अगर आप आज किसान का साथ नहीं देंगे तो जो चीज़ आज आपको डबल मिल रही है कल वो भी नहीं मिलने वाली।